गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, विच इज मैंगो राउंड द ईयर। अब देखो क्या होता है, ये कुछ कुछ चिल्ड्रंस हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, नीतू, वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूरीज। वो अमन को क्या बोलती है कि तुम्हारे लंच बॉक्स में ना स्वीट मीठी पूरी है। ये अमन है, ये क्या बोलता है, हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। वो अमन क्या बोलता है नीतू को कि तुमने आज आलू की सब्जी लाई हो। फिर प्रीति बोलती है आई हैव गॉट भिंडी। प्रीति क्या बोलती है कि मैं ना भिंडी की सब्जी लाई हूँ। अमन बोलता है नीतू को, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। बोलता है कि तुम्हारी जो आलू की सब्जी है वो खराब हो गई है। प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट, तुम इसको मत खाना। यू मे फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगी। हेयर यू टेक सम भिंडी, तुम मेरी भिंडी की सब्जी खा लो। देखो ये क्वेश्चन डिस्कस करना है आपको, जो मैं टिक लगाऊंगी वो आपको करना है, ठीक है। हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला था कि जो पोटैटो की जो सब्जी है वो खराब हो गई है। द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू। जब पोटैटो की सब्जी जब खराब हो गई थी तो उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, यानी कि बदबू आ रही थी। उससे पता चला था अमन को कि जो पोटैटो की जो सब्जी है, आलू की जो सब्जी है, वो खराब हो गई है। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने कभी ऐसा खाना देखा है जो कि खराब हो गया है। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, और आपको कैसे पता चलता है कि वो खराब हो गया है। यस आई हैव सीन फूड दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड, हाँ मैंने ऐसा खाना देखा है कि जो खराब हो गया था। द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर, यानी कि जो खराब खाना होता है ना उसमें से ना एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि बहुत गंदी होती है, और वो एक अलग सा कलर बताती है जिससे हमें पता चल जाता है कि खाना खराब हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड यू हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट। प्रीति जब ना नीतू को बोलते हैं ना तुम्हें सब्जी मत खाना तो नीतू क्या बोलती है, अगर नीतू बाई चांस ये खाना खा लेती जो खराब हो रखा था तो उसको क्या हो जाता, तो ऑब्वियसली वो बीमार हो जाती है। अगर अपन गंदा खाना खा लेंगे, खराब खाना खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे ना। वैसे ही शी मे हैव फॉलन इल इफ शी हैड ईटन इट, यानी कि अगर वो गंदा खाना खा लेगा या खा लेती तो बीमार पड़ जाती। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर पहले ऊपर लिखना है आपको, नोटबुक में जब काम करोगे ना तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 ये लिखना, फिर इस चैप्टर का नेम लिखना मैंगोज राउंड द ईयर, ठीक है। उसके बाद में आप हेडिंग लगाना डिस्कस हेडिंग लगाना, उसके बाद में लिखना क्वेश्चन फर्स्ट, फिर ये लिखना, फिर क्वेश्चन सेकंड, फिर इसका आंसर, क्वेश्चन थर्ड और उसका आंसर, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाला आपको करना है, सेकंड करना है और थर्ड करना है। अब नेक्स्ट क्या है, राइट आपको लिखना है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम दैट कैन बी स्पॉइल इन 2 to 3 days। आपको किचन में जाना है और देखना है कि ना 2 से 3 दिनों में आपका खाना कौन सा खराब हो सकता है, जो और कैन बी kept फॉर अ वीक। और अगर अपन ऐसे खाने को 1 week के लिए रखें तो वो कौन सा खाना होगा जो कि खराब हो जाएगा, वुड नॉट स्पॉयल टिल 1 month। और ऐसा कौन सा खाना है कि जो अगर ना 1 month तक भी रहेगा तो खराब नहीं होगा। तो देखो जो 2 से 3 दिनों में खराब हो जाता है वो कौन सा होता है, मिल्क ब्रेड दाल बॉइल्ड राइस। जो 1 week तक रहता है वो पोटैटो टोमेटो अनियन और केक, और जो खराब होता ही नहीं है वो क्या होता है, फ्लोर रॉ राइस पिकल घी, यानी कि आटा चावल होता है जो ऐसे ही पड़े रहते हैं वो, अचार घी सब क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो ये भी आपको नोटबुक में करना है। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास, आपकी फ्रेंड की लिस्ट देखो और क्लास में डिस्कस करो। माय फ्रेंड लिस्ट आल्सो कंटेन सिमिलर आइटम, यानी कि मेरे जो फ्रेंड थे उसने भी सेम आइटम ही लिखे, मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड्स गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days, यानी कि जो खाना अपन बना देते हैं, जो खाना बन जाता है
वो 2 से 3 दिनों में खराब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रॉ वेजिटेबल गेट स्पॉइल्ड इन अ वीक, यानी कुछ कुछ जो सब्जियां पड़ी रहती हैं उसको अपन यूज में नहीं लेते हैं, जो कच्ची होती है वो 1 वीक तक सही रहती है, उसके बाद में खराब हो जाती है। मोस्ट ऑफ द ड्राइड ग्रेन्स कैन लास्ट मंथ एंड मोर देन अ मंथ, यानी कि जो अनाज रहता है घर पे वो बहुत टाइम तक अपने घर पे रह सकता है बिना खराब हुए। विल यू लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, वॉट वुड यू चेंज, क्या जो लिस्ट अभी आपने बनाई है वो सब सीजन में सेम रहेगी, कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन, नहीं तो लिस्ट होगी वो बार बार चेंज अलग अलग सीजन में होती जाएगी। फूड इजिली गेट स्पॉइल्ड इन समर दैन इन विंटर, जो खाना होता है ना गर्मी में ज़्यादा ख़राब होता है किसके कंपेयर में, सर्दी के। इन रेनी सीजन द एक्सेस मॉइस्चर इन द एयर हैस्टेंस द परसेंटेज ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड, और जो बारिश का मौसम होता है तब ना एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो क्या करता है खाना को जो स्पॉइल करने के परसेंटेज थोड़े से बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट, अगर अपने घर पे खाना खराब हो जाता है तो आप उस खाने का खराब खाने का क्या करते हो? वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन गार्बेज बिन, हम उसको कचरे में फेंक देते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको नोटबुक में करना है, फिर आप जब वो पहले वाले हो जाए फिर आप हेडिंग डालना राइट, फिर डालना क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, सेकेंड इसका आंसर, थर्ड उसका आंसर, फोर्थ और उसका आंसर्स। अब देखो बीजी रिटर्न दी ब्रेड, इतना न्यू टॉपिक है। बीजी नाम का कोई लड़का था या फिर लड़की थी, उसने क्या किया, जो ब्रेड उसने खरीदी थी उसने उसको वापस पकड़ा दी। क्यों? अमन्स बीजी, यानी कि अमन की जो बीजी थी, बीजी यानी कि मम्मी, वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड, वो मार्केट गई थी ब्रेड को खरीदने। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप में बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू द बीजी, जो शॉपकीपर था उसने ब्रेड पैकेट लिया और बीजी को पकड़ा दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली, तो जो ना बीजी थी उसने ना ब्रेड को देखा और वापस उसको जल्दी पकड़ा दिया। क्यों पकड़ाया? लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट, देखो आप ब्रेड का पिक्चर देखोगे ना तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन ग्रीन दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेड थी वो खराब थी, इस वजह से उसने वापस उसको पकड़ा दिया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड, उसको कैसे पता चला कि जो ब्रेड थी वो खराब हो गई थी? तो देखो बीजी में हैव फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हैज लैप्स्ड, यानी कि जो बीजी ने देखा था ब्रेड के पैकेट पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो पूरी हो गई थी, यानी कि एक्सपायरी डेट के बाद में वो उसको ब्रेड का पैकेट पकड़ा रहा था। शी मे हैव ऑब्जर्व ब्लैक वेलवेटी स्पॉट ऑन द ब्रेड, अभी जो मैंने आपको स्पॉट्स बताए थे ना उसको वो दिखे थे। फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट ऑफ द ब्रेड आइटम्स, वॉट कैन बी नो फ्रॉम वॉट इज रिटन ऑन द पैकेट, अपन को क्या पता चला कि ब्रेड के पैकेट पे क्या क्या लिखा होता है? द फूड पैकेट गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो फूड का जो पैकेट होता है वो हमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कितने रुपए का है, उसका वेट क्या है, कब वो ब्रेड बनी थी और कब उसकी एक्सपायरी डेट है, और उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपने लिखा ऊपर राइट, इसके बाद में आप हेडिंग डालना फाइंड आउट, ठीक है, और लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट ऑफ फूड आइटम्स, ये डालना, फिर आपको क्वेश्चन फर्स्ट करना है फिर क्वेश्चन सेकेंड। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, जब भी आप मार्केट में जाते हो कोई चीज खरीदते हो तो पैकेट पे लिखा हुआ क्या देखते हो? I check for the date of manufacturing and expiry. मैं चेक करता हूँ कि जो प्रोडक्ट है वो कब बना था और वो एक्सपायर कब होगा। I also check for the price and weight. मैं प्राइस के लिए और वेट के लिए भी देखता हूँ।
ऊपर फिर हेडिंग डाली, फिर ये लिखा, ये हेडिंग डालना, क्वेश्चन लिखना ये, फिर ये वन, फिर ये टू, ठीक है। आज अपना इतना इतना ही करेंगे, जो रिमेनिंग है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी कि हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड से, ठीक है। तो आज जो भी मैंने आपको रीड करवाया, जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करने के लिए बोले हैं, वो आप नोटबुक में अच्छे से कर लेना, ठीक है, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।